गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुबैलिस मुगल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्ट करने वाला हूँ उसका टाइटल है J-31 सैटेलाइट जेट एट 23 मार्च परेड। ये बेसिक तो वीडियो जो है ये एक J-31 जो चाइनीज़ जेट है उसकी वीडियो है कि क्या वो 23 मार्च में जो कि पाकिस्तान में होने जा रही है परेड उसमें हिस्सा ले सकेगा या नहीं। तो उसी के रिलेटेड ये वीडियो को जानते हैं। वीडियो का जो लिंक है आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो जो है ये AM राद की वीडियो है, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामु अलैकुम, सो वेलकम टू AM राद। दोस्तों बात आज हम करने जा रहे हैं चाइनीज़ J-31 एयरक्राफ्ट के हवाले से, जिसका एक नया प्रोटोटाइप देखा गया है। और ये चीज़ चाइना और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खुश आइन चीज़ है और बहुत अहम भी है। दूसरा हम कुछ र्यूमर्स पर बात करेंगे। खबरें कुछ यूँ हैं कि चाइनीज़ स्टेल्थ एयरक्राफ्ट J-31 पाकिस्तान डे परेड पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगा, इनके फ्लाई पास्ट का हिस्सा होगा। इसके बारे में कुछ र्यूमर्स हैं, हम उसको लेकर बात करते हैं। पहला हम आ जाएँ इसके नए प्रोटोटाइप पर। तो दोस्तों J-31 या J-35 आप इसे कह लें, इस एयरक्राफ्ट का एक नया प्रोटोटाइप देखा गया है। इस नए प्रोटोटाइप का जो ऑब्वियस नंबर है, एग्जैक्ट नंबर यहां नहीं देखा जा सकता क्योंकि जहाज की जो इमेजरी है, जहाज की जो तस्वीर है, वो बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन में नहीं है। अगर उसे आप हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट भी करेंगे तो नंबर मिट जाता है। सो पॉसिबली कहा जा रहा है कि इसका नंबर है 3505। तो इसे तीसरा प्रोटोटाइप कहा जा रहा है J-31 एयरक्राफ्ट का। मैं ये बताता चलूं, J-31 और J-35 ऑलमोस्ट एक ही एयरक्राफ्ट है। जो जहाज चाइनीज नेवी यूज करेगी अपने एयरक्राफ्ट करियर्स पर यानी बहरी बेड़ों पर, उसे J-35 कहा जाएगा। जबकि जो चाइनीज एयरफोर्स यानी कि प्लेफ यूज करेगी उसे J-31 कहा जाएगा। जैसा कि इंडियन एयरफोर्स का तेजस है और इंडियन नेवी के लिए तेजस बनाया गया था, दोनों के डिजाइन में थोड़ा सा डिफरेंस था, बाकी सप्लाई चेन वेपन पैकेज ऑलमोस्ट 100% सेम ही था। बहरहाल इसका जो ये प्रोटोटाइप देखा गया है, इसके बारे में यही र्यूमर्स हैं कि एक तीसरा प्रोटोटाइप है। इससे पहले J-35 और J-31 की जो टेस्टिंग जा रही थी वो एटलीस्ट दो प्रोटोटाइप जो के मंजरे आम पर आए और जिसके बारे में सबको पता था, उन पर टेस्टिंग की जा रही थी। और ये 2016 में मॉडिफाइड इनकी शेप थी। इससे पहले वाले जो FC-31 का इनिशियल सा फेज होता था वो खत्म कर दिया गया था। यहाँ एक और भी अहम चीज है कि ये भी कन्फर्म नहीं है कि तीसरा प्रोटोटाइप है या नहीं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान चाइनीज आप रशियन मिलिट्री को देखें तो इनमें आपको बहुत ही ज्यादा जो क्रिटिकल डाटा होता है ना, क्रिटिकल मालूमात होती है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं देखने को मिलती। अगर एक सर्टेन वेपन सिस्टम बनाया गया है तो उसके कितने प्रोटोटाइप बनाए गए, कितनों पर टेस्टिंग की गई, किस किस्म की टेस्टिंग की गई, ये बहुत ज्यादा डिटेल पब्लिक डोमेन में नहीं आती। जैसा कि पाकिस्तान अगर Shahpur-2 ड्रोन बनाता है तो उसके कितने प्रोटोटाइप शुरू में बनाए गए थे, ये पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिया को देखें, आप यूरोपियन कंट्रीज को देखें, अमेरिका को देखें, वहाँ अगर कोई एक्सपेरिमेंटल प्रोटोटाइप भी बनाया गया है किसी वेपन सिस्टम का तो उसकी पूरी डिटेल को बकायदा पब्लिश किया जाता है। उनके समझने के कारोबार के लिए ये चीज़ ज़्यादा फायदेमंद है कि वो हर चीज़ खोल के सबके सामने रखें। बहरहाल अब अभी तक पब्लिक डोमेन के मुताबिक कहा जा रहा है कि तीसरा प्रोटोटाइप है जो कि लेटेस्ट है और इसमें कुछ नई टेक्नोलॉजीज को ऐड किया गया है J-31 को लेकर। अब इस नई डेवलपमेंट को लेकर ये बात की जा रही है कि जो J-31 या J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है ये अपने आखिरी टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन फेज में है। इसके बाद इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि फिर ये एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार होगा। पहला जो इसका कस्टमर होगा वो पाकिस्तान ही होगा एंड ऑब्वियसली फिर ये चाइनीज नेवी में जाएगा और चाइनीज एयरफोर्स का भी हिस्सा होगा। एंड यहाँ हम एक और भी अहम चीज बताते चलें। वैसे तो जो कोर डिफेंस एंथुजियास्ट हैं उन्हें पता ही होता है कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट क्या होता है, उसके अलावा ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज, लेकिन बहुत से नए लोग भी हमारे चैनल पर आए जिनको डिफेंस की बहुत ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है। तो उनके लिए मैं बताता चलूँ कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट अगली नस्ल के जंगी तैयारे हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन जहाज हैं जो कि जल्दी रडार में नहीं आते। इनका डिजाइन कुछ ऐसा बनाया जाता है ताकि ये रडार की शुआओं को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इस वजह से रडार के लिए इनको पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके अलावा ये नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं जिसकी वजह से अपनी कॉम्बैट एफिशिएंसी में और अपनी पावर और अपनी स्ट्रेंथ के लिहाज से ये पुराने जंगी तैयारों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट होते हैं और बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। इस वक्त दुनिया की जितनी भी बड़ी सुपर पावर्स हैं वो इन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को यूज करती हैं। आप अमेरिका को देखें, उन्होंने F-22 फिर F-35 बनाया और अमेरिकन एलाइज भी उस F-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करते हैं। अब उसके मुकाबले में रूस और चाइना ने भी अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बनाना शुरू कर दिए। जैसा कि रशिया SU-57 को आगे लेकर बढ़ रहा है,
चाइना ने J-20 एयरक्राफ्ट बनाया और अब ये दूसरा चाइना का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इसका नाम J-31 और J-35, इसके दो मुख्तलिफ किस्में होंगी, वर्जन होंगे। तो बहरहाल ये एक छोटा सा मैंने ब्रीफ आपको किया इस बारे में। अगर दूसरी चीज पर आ जाएं तो र्यूमर्स, कुछ खबरें इस वक्त ये गर्दिश कर रही हैं कि चाइनीज J-31 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान डे परेड पर 23 मार्च को अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगा इस्लामाबाद पर। ये बहुत बड़ा एक इवेंट हो सकता है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल भी कंफर्म नहीं करूंगा, क्योंकि ये खबर इस वक्त कुछ ओसेंट्स की तरफ से फैलाई जा रही है। नॉर्मली जो इस तरह के ओसेंट्स होते हैं, इनकी खबरों में सच्चाई आपको देखने को मिलेगी और इसके चांसेस भी हैं। बट अभी तक अगर ऑफिशियल सतह पर कुछ नहीं आता तो उस वक्त तक हम कंफर्म कुछ नहीं कह सकते। लेकिन सही बात है, अगर जब तक ऑफिशियल सतह पे कुछ ना कुछ शो नहीं होगा, तो कोई ना कोई रिपोर्ट नहीं शो होगी, तो ऐसे ही उसको अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहना ये गलत बात है। और मुझे भी नहीं लगता कि अभी ये कोई हमारे वो 23 मार्च की परेड में कोई शामिल करने वाले होंगे। तो गाइज ये थी इन्फॉर्मेशन, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।